हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि सरकारी बस ड्राइवर कैसे बने। सरकारी बस ड्राइवर क्या होता है, उनकी एजुकेशन क्या होती है, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, सरकारी बस ड्राइवर आवेदन कहाँ और कैसे करें, सरकारी बस चालक की वेतन मतलब कि सैलरी कितनी होती है, इन सारी बातों का आज मैं आपको इस वीडियो में जवाब दूंगी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने एक पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है कि सरकारी बस ड्राइवर क्या होते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोगों में से सभी ने कभी ना कभी बस में सफर जरूर किया होगा। तो आपने कभी सोचा है कि जिस सरकारी बस को जो चलाता है मतलब चालक कैसे बनते हैं? यदि आप नहीं जानते तो इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों को आज मैं आपको डिटेल में ब्रीफ करूंगी। दोस्तों अब हम जानते हैं कि सरकारी बस चालक क्या होते हैं। जो सरकारी बस को चलाते हैं और काम करते हैं उनको सरकारी बस ड्राइवर कहते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हो गया कि सरकारी बस ड्राइवर क्या होते हैं। अब हम दूसरे सवाल पे जाते हैं दोस्तों। तो एजुकेशन क्या होती है इस बारे में आप हम जानेंगे। एजुकेशन सरकारी बस ड्राइवर के लिए 8 पास या फिर 10 पास होना कंपलसरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों एजुकेशन बहुत कम हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप सरकारी जॉब पाना चाहते हो तो। दोस्तों ये हो गया कि उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सरकारी बस चालक बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो आवेदन की उम्र 23 वर्ष से 6 महीने से अधिक होनी चाहिए, ये उसकी पहली योग्यता रहेगी। दूसरी योग्यता आवेदक 8वीं पास होना जरूरी है। तीसरी योग्यता रहेगी आवेदक के पास भारी वाहन चलाने का 2 वर्ष का अनुभव होना ही चाहिए। चौथी योग्यता रहेगी कि आवेदक की हाइट 5 फीट लगभग होनी ही चाहिए। मतलब अगर आपके पास ये 4 योग्यताएं हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों सरकारी बस चालक बनने के लिए ये सारी योग्यताएं होनी बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल के साथ। सरकारी बस के चालक का आवेदन कहाँ और कैसे करें? किसी भी राज्य में सरकारी बस के चालक की भर्ती के बारे में सबसे पहले सूचना सरकारी रिजल्ट .com पर आती है। इसके साथ उस राज्य के स्टेट पर सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है। जैसे कि अगर UPSRTC मतलब कि उत्तर प्रदेश है तो उस पे जो वेबसाइट बनी हुई है उस पे आएगा, और अगर उत्तराखंड है तो UKSRTC पे आएगा। दोस्तों वैसे ही आप जिस राज्य में रहते हो उसकी जो वेबसाइट ऐसे बनी होती है उस पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम दूसरी जगह पे देखते हैं तो इसकी भर्ती की सूचना जॉब वेबसाइट पर भी आती है, जैसे कि naukri.com, Indeed या फिर वर्क इंडिया। दोस्तों ऐसे जो naukri.com, Indeed, वर्क इंडिया जैसे भी ऐप होते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो और उसमें भी भर्ती डाली हुई होती है। ये हो गई आपकी ऑनलाइन प्रोसेस दोस्तों। दोस्तों यदि भर्ती की सूचना सरकारी रिजल्ट .com पे आता है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, और यदि यह आवेदन आपसे नहीं होता है तो आप नज़दीकी किसी भी दुकान से फॉर्म फिल करवा सकते हो। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा और आप किसी भी इंसान की हेल्प लेके आप कर सकते हो। दोस्तों ये हो गया कि आवेदन कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सरकारी बस चालक का वेतन कितना होता है। सरकारी बस चालक की वेतन की बात करते हैं तो उनका वेतन लगभग 20,000 रुपये तक का या इससे अधिक भी होता है। मतलब उनकी सैलरी 20,000 तक तो होती ही है। ये कोई बहुत तो बड़ी अमाउंट नहीं पर बहुत छोटी अमाउंट भी नहीं कह सकते दोस्तों। 20,000 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात भी होती है। अगर आपने कम पढ़ाई की है तो आप बस ड्राइवर बन सकते हो और ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये हो गया कि हमने बस ड्राइवर के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आज आपको दी है। आज के इस वीडियो में हमने बहुत सी बातों को अवगत किया हुआ है। अगर किसी भी बस ड्राइवर के संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप इस कमेंट में ज़रूर भेज सकते हैं, हमें आपके सवाल का जवाब देने में बहुत खुशी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी के साथ भी हो, अगर कोई टॉपिक पे नया वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।